सही है। अच्छा ये तो आपने किया मिनट्स। अब एक और सुई होती है जो बहुत तेजी से दौड़ रही होती है, बहुत तेजी से चल रही होती है, सही है। और वो निडल कौन सी होती है? वो निडल होती है सेकंड्स की, वो निडल होती है सेकंड की। ये देखिए ये आपकी मिनट की निडल है, ये लॉन्ग हैंड मिनट का हैंड है और ये शॉर्ट हैंड जो है आपका आवर हैंड है। तो इन दो निडल के और हैंड्स के अलावा भी एक ये तीसरा होता है, ये मैं इस घड़ी में आपको दिखा रही हूँ, ये वाली, ये जो निडल होती है ये होती है सेकंड्स की। किसकी होती है? सेकंड्स की निडल होती है, बहुत तेज चलती है और बारीक सी भी होती है, ठीक है। और ये आपकी मिनट हैंड है और ये आपका आवर हैंड है, शॉर्ट हैंड आवर हैंड है, लॉन्ग हैंड आपका मिनट हैंड है, ठीक है। अब यहां देखिए जरा, अच्छा अब देखिए, अब वो जो बहुत तेज चलने वाली होती है तो वो मैं इसीलिए यहां पे इससे रेड से इसे डॉटेड बना रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ये वाली, ये ठीक है, ये होती है सेकंड्स की। मैं इसके यहां लिख देती हूं ताकि आपको समझ में भी आ जाएगा, ये सेकंड्स की सुई होती है, ठीक है। अच्छा अब देखिए आप यहां आपके क्लॉक के अंदर देखिए, ये इस तरह मार्क हुए हुए होते हैं। अब ये सब जगह इसी तरह मार्क हुआ हुआ होता है, लेकिन मैंने सब जगह नहीं किया, मैंने सिर्फ ये इस जगह पे मार्क कर लिया, यानी ये इसी तरह मार्क यहां पर भी है। तो यानी यहां से लेके यहां तक एक मिनट है, यहां से यहां तक दो मिनट है, यहां से यहां तक तीन मिनट है, और यहां तक चार मिनट, और यहां तक पांच मिनट। तो फिर आप ये कहते हैं कि जब ये मिनट हैंड, ये वाला हैंड, ये वाला हैंड यहां से यहां तक आता है तो आप कहते हैं फाइव मिनट हुए हैं, ठीक है। तो जिस तरह ये हैंड, यानी ये फाइव मिनट, यहां से ये वाला हैंड यहां से यहां आएगा तो आप कहते हैं फाइव मिनट हुए। फिर जब ये यहां से यहां आ जाएगा आप कहते हैं टेन मिनट हुए। तो इस तरह जब ये वाला हैंड पूरा ये यहां से यहां तक आता है तो आप कहते हैं सिक्सटी मिनट हुए। और फिर फौरन ये हैंड जो है ये यहां से जगह तब्दील करके ये टू पे आ जाएगा, तो इसका मतलब है पूरा एक घंटा गुजर गया। तो फिर आपने ये कहा वन आवर इज इक्वल टू सिक्सटी मिनट, यानी जब 60 मिनट पूरे किए इस मिनट हैंड ने तो फिर आपने कहा कि एक घंटा हो गया, ठीक है। अब इसी तरह ये जो डॉटेड मैंने शो की है वो जो सेकंड्स की निडल है, किसकी निडल है? सेकंड्स की। ये जब पूरा ये यहां से ये पूरा अब मैं अंदर बाहर की तरफ कर रही हूं, ये जब करके यहां तक आती है तो क्योंकि ये इससे ज्यादा बहुत तेज चलती है तो ये 60 सेकंड्स करती है। कितने करती है? ये 60 सेकंड्स करती है। और ये वाली पहले तो जब ये 60 मिनट करती है तो ये वाली निडल जो है ये पूरा एक घंटा क्रॉस यानी दूसरे नंबर पे आ जाती है। लेकिन जब ये वाली सेकंड्स की सुई जो है, सेकंड की निडल जो है आपकी, ये जब 60 सेकंड पूरे करती है तो अब इसकी पोजीशन क्या होगी? ये एक मिनट आगे बढ़ेगी। अब मैं यहां पर भी मार्क कर देती हूं, यानी ये देखें वन टू थ्री फोर फाइव मिनट, ये इक्वल नहीं हुए लेकिन ये इक्वल होते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो अब ये वाली निडल जो है ये यहां से कहां जाएगी? ये देखिए, यानी इस वाली ने, इसने ये जो सेकंड्स की थी, इसने जब 60 सेकंड्स पूरे किए तो अब ये मिनट वाली, अब ये आवर वाली जो मूव करेगी इतना स्लो करेगी कि वो आपको नजर भी नहीं आएगी करती हुई, लेकिन ये जो है ये यहां से मूव करके यहां आ जाएगी, यानी इसने 61 मिनट कवर कर लिए। जब ये 60 सेकंड कवर करेगी ये वाली ये सेकंड की सुई 60 सेकंड्स कवर करेगी तो इसका मतलब है ये जो मिनट वाला हैंड है ये 1 मिनट कवर करेगा। कितना कवर करेगा? 1 मिनट। तो फिर हम ये कहेंगे कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, यानी एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। फर्ज करें मैं ये कह रही हूं, आप आगे बताती हूं आपको, सपोज मैं ये कह रही हूं आपसे 15 मिनट्स हो गए मुझे
तुम्हारा इंतजार करते करते 15 मिनट्स हो गए मुझे तुम्हारा इंतजार करते करते, अब बताइए कितने सेकंड्स हुए, कितने सेकंड्स हुए। देखिए 1 मिनट में, जल्दी से घड़ी इसको क्लॉक को देख के बताइए, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं, सही है। तो 60, अब मैं कह रही हूं चलिए मैं ये 15 मिनट्स नहीं कह रही, मैं कह रही हूं 5 मिनट्स में बताइए कितने सेकंड्स हैं। तो आप क्या कहेंगे, 5 मिनट्स इज इक्वल टू 60, 5 टाइम इज 60, 5 टाइम इज कितना होगा 300। अब लेकिन 300 के आगे मिनट लगाएंगे आप, नहीं, क्या लगाएंगे 60, इस वाले को किया ना आपने मल्टीप्लाई, तो फिर आप इसके आगे लगाएंगे सेकेंड्स, क्या लगाएंगे सेकेंड्स। आ गई बात समझ में। इसी तरह कोई आपसे कहता है अच्छा बताओ 8 मिनट में कितने सेकेंड्स होंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो आप क्या कहेंगे, आप फौरन कहेंगे 8 मिनट में, अच्छा तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 68 टाइम इज है ना, और फिर 68 टाइम इज कितना होगा, सेकंड्स। और कोई आपसे कहता है अच्छा बताओ 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, सेकंड बताओ इसमें, सेकंड, ठीक है। तो अब आप कैसे बताएंगे, पहले आप ये देखेंगे कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, क्योंकि सेकंड हमें मिनट के हिसाब से पता है, तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं 1 आवर में, सही है। अब 1 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, हमें सेकंड्स निकालने, हमें क्या निकालने, सेकंड्स निकालने, तो अब आवर की तो हम बात ही नहीं करेंगे, आवर को भी पहले हमने मिनट में कर लिया, तो यानी 60 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो हम कहेंगे 60 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं, अब आवर की टर्म में बात ही नहीं करेंगे, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 60 टाइम इज, कितना आसान है, 2 जीरो लगा दिए और 66 टाइम इज 36, अब इसके आगे लगेगा सेकंड, यानी 3600 सेकंड्स होते हैं 1 घंटे में। हमने कहा 60 मिनट में 3600 सेकंड होते हैं, 60 मिनट में, तो 60 मिनट क्या होता है 1 घंटा, यानी 1 घंटे में इतने सेकंड होते हैं। इस वीडियो को 2-3 मर्तबा देखिएगा बस, फिर तो आपको ऐसा आएगा कि मैट्रिक तक आसानी रहेगी आपको, सही है। अच्छा अब एक और चीज कर लेते हैं इसके अंदर, सुबह लाइट 1 घंटा 15 मिनट तक गई रही, सुबह जो लाइट गई रही वो 1 घंटा 15 मिनट्स तक गई रही, और शाम में जो लाइट गई रही वो 2 आवर्स और 49 मिनट्स गई रही, तो कुल कितने वक्त लाइट गई रही, सही है। अब कुल टोटल, तो आपको पहली वीडियो में मैंने बताया था जब टोटल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो प्लस होता है, अब देखिए मिनट में मिनट को प्लस करेंगे और आवर में आवर को प्लस करेंगे, सही है। आप ये देखिए, ये है आपके पास 15 मिनट और ये है आपके पास 49 मिनट्स, इन्हें प्लस कीजिए, 5 और 9 कितना होगा,
14, 14 का 4 कैरी, 1, 2 और 4 और 6, कितने मिनट आई है? बताइए कितने मिनट्स आए? 64 मिनट। तो अच्छा ये कितने घंटे आए? 3 आवर्स। तो अब मैं ये बोल रही हूं टाइम लाइट गई रही 3 घंटे 64 मिनट, लाइट गई रही, सही बोल रही हूं। सपोज आपके अब्बू एक दर्जन अंडे लेके आते हैं और फ्रिज में अंडे रखे हुए 5 दर्जन पहले से। तो अब अम्मी इसे आप कह रहे हैं अम्मी टोटल अंडे हो गए हैं 5 दर्जन और 12 अंडे, ऐसे बोलेंगे? नहीं ना, क्यों? वो जो अब्बू लाए हैं दोबारा, एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं, तो वो भी तो एक दर्जन ही लाए हैं, तो आप उसके साथ उसको मिला के कहेंगे टोटल 6 दर्जन अंडे हो गए हैं, ऐसे बोलेंगे ना। अब आप गौर से देखिए ये 64 मिनट है, 64 मिनट में से 60 मिनट का क्या होता है? 1 आवर, है ना? तो यानी 1 आवर यहां ऐड हो जाएगा इधर, तो यानी यहां क्या बचेंगे? अब यहां 64 नहीं बचेंगे, अब यहां बचेंगे 4 मिनट्स, ठीक है? और यहां बढ़ जाएगा, अब यहां 3 आवर्स नहीं आएगा आंसर, यह आएगा 4 आवर्स। आगे बात समझ में? इस तरह टोटल में अगर 60 आ रहा है तो फिर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? अब अगर फर्ज कर लीजिए आपसे ये पूछा जाए 3 मिनट 15 सेकंड्स, और जरा बताइए कुल कितने सेकंड्स में, ऐसी सी लिख देते हैं, कुल बताइए ये कितने सेकंड्स हैं? आप देखिए 3 मिनट्स 15 सेकंड्स, तो 3 मिनट को आप किस में शिफ्ट करेंगे? सेकंड्स में। कैसे? 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा? 60 सेकंड्स, ठीक है? और 3 मिनट है ये, 3 मिनट्स इज इक्वल टू 63 टाइम इज, है ना? कितना हो जाएगा? 180 क्या सेकेंड्स। तो ये 15 सेकेंड पहले भी लिखा हुआ है यहाँ पे, आप 15 को इसमें प्लस कर दें, क्योंकि ये जो 3 मिनट्स हैं ये कितने सेकेंड्स होगा? ये होगा 180 सेकेंड, है ना? अब इसमें ये 15 सेकेंड, अब दोनों यूनिट सेम हो गए ना, तो आराम से जमा हो सकता है जब दोनों यूनिट सेम हो गए तो, सही है? अब कीजिए सेकेंड्स, और ये आ गया 5, और ये आ गया 9, और ये आ गया 1। अब आपसे पूछा ये गया है कि कितने सेकेंड्स हैं, आपको आवर आवर में शिफ्ट करने को नहीं कहा, आपसे कहा है कि 3 मिनट 15 सेकंड में टोटल बताइए कितने सेकेंड्स हैं। आ गया निकालना? ऐसे एक और देखिए, आपके पास क्वेश्चन है 1 आवर मिनट्स, इसमें कितने सेकेंड है? इसमें कितने सेकेंड है? आप देखिए मिनट और सेकेंड का तो हमें रिलेशनशिप पता है, 1 आवर, तो 1 आवर का क्या मतलब हुआ? 60 मिनट, है ना? 60 मिनट प्लस, और ये पहले से है 44 मिनट्स, मिनट में अब मैं MIN लिख रही हूं, सही है? तो ये कितने मिनट हो गए टोटल? ये हो गए आपके 104 मिनट, है ना? 104 मिनट। अब आपको
बताना ये है कि 104 मिनट में कितने सेकंड हैं। तो आप कहेंगे 1 मिनट में 1 मिनट इज इक्वल टू कितने सेकंड है, जल्दी से बताइए। यहां का बताया था ना मैंने 60 सेकंड। तो 104 मिनट में कितने सेकंड होंगे? यानी इसका मतलब क्या हुआ, 60 104 टाइम इज। अब जो भी आंसर आए मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसमें क्या लगेगा, सेकंड। ठीक है, इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है। तो देखिए ये प्लस का साइन आ रहा है, आप इसे वर्टिकली पहले लिखेंगे, 4 hour 16 minute 10 seconds। ठीक है, अब दूसरा पार्ट क्या है, 1 hour 2 minutes 15 seconds। कितना हो जाएगा, 5 2 seconds 18 minutes। ठीक है, और 5 hour। आ गया समझ में, ऐसे प्लस हो गई। देखिए जो जो यूनिट है वो उसी के नीचे आएगा। और अगर फर्ज करें यहां पे आवर नहीं होते, यहां पे आवर नहीं होते, तो फिर आंसर क्या होता, ये वापस 4 ही रहता, ये 4 ही रहता। तो जो जो यूनिट लगा हुआ है वो उसी के नीचे आएगा। ठीक है, चाहे आपने माइनस करना हो चाहे आपने प्लस करना हो।